को HCR के बारे में बताना चाहता हूँ। HCR जो थायरेस्टर की एक फैमिली में से होता है, थायरेस्टर की फैमिली होती है जो था। और आज मैं आपको जो पर्टिकुलर एक HCR के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो है हॉकी बग टाइप ऑफ HCR। एक्चुअली हॉकी में जो बग इस्तेमाल होती है उसके शेप का होता है, इसलिए इसको हॉकी बग कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं इस वक्त, हॉकी बग टाइप का जो HCR है, इसके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव रखा जाता है, और गेट जो होता है हमारे पास पल्स देने के लिए होता है इसको, और ये भी हमारे पास पॉजिटिव में कनेक्टेड होता है। जैसे तीन लेयर हैं, J1, J2, J3, ये हमारे पास जंक्शंस हो गए हैं, PNK, NPK और PNK, ये हमारे पास जंक्शंस हो गए हैं। अब HCR हमारे पास जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसकी खासियत ये होती है कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस से मतलब होता है कि वो डिवाइस जो कि एक ही डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करेगा, यानी कि सिर्फ एनोड से कैथोड की तरफ ही कंडक्ट करता है, कैथोड से एनोड की तरफ नहीं करेगा। इसके तीन मोड होते हैं ऑपरेशन के। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो कि ऑफ ही होता है, जब तक हमारे पास हम इसको फायरिंग एंगल नहीं देंगे गेट के थ्रू, तब तक ये कंडक्शन नहीं करेगा, एज अ ऑफ काम करेगा, स्विचिंग की तरह भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं HCR का। और दूसरा मोड होता है इसका फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, इसमें ये ऑन होता है, हमें गेट और कैथोड को हम फायरिंग एंगल देते हैं, एक वोल्टेज देते हैं जिससे ये कंडक्शन करना शुरू हो जाता है, ऑन कंडीशन में पहुंच जाता है। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड वही जो मैंने पहले बताया था पॉइंट में, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कैथोड से एनोड कंडक्शन नहीं करेगा, उस स्टेट में भी ये ऑफ ही रहेगा। इसके फ्रेंड यूजेस क्या होते हैं? यूजेस होते हैं इसके, ये हाई पावर कंडक्शन कंट्रोल में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। हमारे पास इसका नाम ही है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, वो रेक्टिफायर जो कि कंट्रोल करता है, जिसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है, ये उस तरह से होता है। जैसे VFD में हमारे पास मोटर कंट्रोल, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, VFD के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी होती है उसमें SCR का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी VFDs होती हैं उनमें IGBT का इस्तेमाल करते हैं। HCR जो है हमारे पास मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए भी काम आता है। और उसके बाद हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन करनी हो, चाहे वो फिर AC में हो या DC में हो, ये दोनों में काम करता है। AC में हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है, हमने इन्वर्टर्स में देखा होगा, उसमें इस्तेमाल होती है। DC में भी हमारे पास जो है, इसको हम चॉपर बोल देते हैं, ये चॉप यानी कि हमारे पास जितने सेकंड्स के लिए हमें इसको स्विचिंग करनी हो, बहुत फास्ट स्विचिंग हो सकती है इसमें। एक्चुअली इसमें जो AC और DC में जो होता है, हमारे पास फुल ब्रिज रेक्टिफायर होता है, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इन रेक्टिफायर सर्किट्स जो तो में हम ये HCR जो है पैरेलल लगाते हैं एक दूसरे के, एक टाइम में रिवर्स टाइम में एक काम करता है, फॉरवर्ड टाइम में एक काम करता है, और जिसकी वजह से हमारे पास हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइकिल्स मिल जाती हैं, और जितना हमें करंट कंट्रोल करना होता है उसी हिसाब से हमें वो आउटपुट मिल जाता है। बैटरी चार्जिंग में, बैटरी की चार्जेस में, चार्जिंग में इस्तेमाल होता है ये। प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिसमें हमें बैकअप रखना होता है बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज का, फ्लोट और बूस्ट चार्जर होते हैं बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। मैं आगे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए जिसमें हम लोड चार्जिंग टेस्ट करेंगे, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। एक होता है हमारे पास पावर कन्वर्जन, जो कि डायोड है, ये AC to DC भी चेंज करता है, पावर कन्वर्जन के लिए भी काम आता है हमारे पास HCR। और HCR अगर हमारे पास ये हॉकी बग आपको मिल जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है? तो इसमें एक सिंबल दे रखा होता है बना, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, इस पिक्चर से भी आप देख के पता लगा सकते हैं कि कैथोड कौन सा होता है, एनोड कौन सा होता है। वैसे जो कैथोड होता है वो हमेशा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कैथोड जो होता है वो हमेशा जो होता है गेट के बिल्कुल क्लोज होगा, हमने डायग्राम में भी इसके सिंबल में भी देखा था, हमेशा गेट के क्लोज होता है, और जो उससे दूर होगा वो हमारे पास एनोड होगा। एनोड और कैथोड हमारे पास इसमें मेटेलिक प्लेट्स होती हैं के रूप में होता है, और इसके बीच में जो इंसुलेशन होती है उसके अंदर हमारे पास गेट इंस्टॉल्ड होता है, और गेट का जो वायर होती है वाइट कलर की बाहर निकली होती है, और दूसरी वायर जो होती है हमारे पास कैथोड से निकली होती है। ये दो वायरें जो होती हैं हमारे पास फायरिंग एंगल, कमांड सिग्नल, ट्रिगरिंग एंगल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। ये तीनों नाम हो, एक ही काम होता है इसका, तीनों नाम है इसके। और इसमें हम कुछ वोल्टेज देते हैं, परसेंट ऑफ वोल्टेज जब हम इसमें पास करते हैं, ये तभी एनोड टेक कैथोड कंडक्शन होती है, वरना नहीं होती है, वरना ये ऑफ कंडीशन में रहता है। और हम इसी को कंट्रोल करके
इन्हीं फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके इसको बहुत ज़्यादा फास्ट स्विचिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ही ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और बहुत फास्ट स्विचिंग होती है इसमें। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर ये हमारे पास VFD में इस्तेमाल होता है, उसमें भी हमारे पास इसी तरीके से हम पल्स जो होती हैं वेव शेप, अगर हम देखेंगे इसकी स्विचिंग की, नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिलिंग में, दोनों में हम इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करके कंट्रोल करते हैं। मैं आपको VFD वाली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसका पूरा डिटेल में पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से वो स्विचिंग फास्ट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये शो करूंगा कि ये जो हॉकी बग HCR होता है ये किस तरीके से फिट होता है हमारे पास जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में फ्रेंड्स इसको एनोड और कैथोड साइड से, दोनों साइड से कुछ हद तक कंप्रेस करना होता है। एक हीट सिंक की असेंबली होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है, साथ साथ हीट डिसिपेट भी होनी चाहिए। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई चला गया तो भी ये डैमेज हो सकता है, कंडक्शन करना बंद कर देगा। ये डैमेज ही हो जाएगा तो कंडक्शन क्या करेगा, और ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो एनोड और कैथोड में दोनों तरफ से हीट सिंक होती है, उसके बीच में सैंडविच की तरह दबा होता है बीच में उन दोनों तरफ की हीट सिंक से, और एक पर्टिकुलर कंप्रेस पॉइंट तक कंप्रेस करते हैं इसे। उसमें बना ही उसका ढांचा इस तरीके से होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है कि एक हद से ज़्यादा आप इसको दबा नहीं पाओगे, और जितना दबाना हमें इसको ज़रूरत होती है हमें इसकी कंडक्शन के लिए, उतना ही दबता है ये, और बिना दबे इस ये कंडक्शन करेगा भी नहीं। इसकी डिज़ाइन ही इस तरीके से बना होता है। तो फ्रेंड्स ये एक असेंबली है HCR की असेंबली, जो कि एक मॉड्यूल में से HCR की मॉड्यूल में से हमने निकाली हुई है। ये एक HCR की असेंबली है। इसमें हमारे पास हमें एक ब्लू कलर की शेड दिखाई दे रही होगी बीच में, और लेफ्ट हैंड साइड में ये दो आगे हमारे पास कंडक्टर की तरफ निकल रहे हैं कनेक्शन के लिए। और ये हमारे पास ये असेंबली है, दो हीट सिंक्स इसमें डिवाइडेड हैं। आप देख पा रहे होंगे कि नट बोल्ट की असेंबली है पूरी, किस तरह से ये इसे खोल रहे हैं, ये इसे डिसमेंटल कर रहे हैं। और इन दोनों हीट सिंक की असेंबलीज के बीच में हमारे पास HCR होता है, और ये जो दो वायर रेड और ब्लैक आपने देखी है, ये फायरिंग एंगल या ट्रिगर एंगल के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ये देखिए, वो ब्राउन कलर का जो इंसुलेटर निकला है वो इन दोनों की अटैचमेंट के लिए जो असेंबली इस्तेमाल की हुई है उसके नट बोल्ट की, उसमें इस्तेमाल होता है। एक पत्ती है हमारे पास। एक्चुअली फ्रेंड्स जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक पर्टिकुलर प्रेशर देना पड़ता है एनोड और कैथोड के, एक सैंडविच की तरीके से असेंबली होती है, हीट दो हीट सिंक के बीच में HCR होता है। तो ये आयरन बॉल है जिसकी वजह से उतना ही प्रेशराइज इसको आगे किया जा सकता है जितना हमें ज़रूरत है कंडक्शन के लिए। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हीट सिंक, इन दोनों हीट सिंकों के बीच में HCR, ये बीच वाला वाइट दिख रहा है थोड़ा सा फंसा हुआ है। और अब हम इसको येलो कलर की जो शीट है इसको हम खोल देंगे, और फिर हम इसके बाद हम इन्हें देख पाएंगे। और ये जो दोनों कनेक्शन एनोड और कैथोड के बाहर हीट सिंक के अंदर के थ्रू बाहर निकलते हैं, हम इन्हें देख पाएंगे। और अब हमने इन्हें खोल लिया है एक साइड को, तो ये एनोड साइड खुल गई है, और ये एनोड साइड खुलते ही आप देख सकते हैं इस हीट सिंक किस तरह से अलग हो गई, और इसके अंदर से ये कंडक्टर बाहर जा रहा है कनेक्शन के लिए। और HCR क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा हीट के अंदर प्रेस था इसके अंदर, तो एक दूसरी कैथोड साइड वाली हीट साइड से ये हीट सिंक से काफ़ी ज़्यादा जुड़ गया है। इसको हम अभी लीवर की हेल्प लगा के, पेचकस स्क्रू ड्राइवर की से लीवर दे के इसको हम बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये कैथोड और गेट का जो हमारे पास वायर आ रही है, गेट की इसमें ब्लैक कलर की है, कैथोड की इसमें रेड कलर की है। कैथोड मोस्ट ऑफ टाइम रेड कलर की ही होती है, गेट का कलर वाइट या ब्लैक हो सकता है। तो इसको अब हम निकालते हैं, और ये निकल गया। काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज से था इसलिए इसको बड़ा मुश्किल से निकालना पड़ा। ये HCR इन दोनों हीट सिंक के बीच में इस तरह से लगाया जाता है, ये होता है हॉकी बग टाइप का इंसुलेटर HCR, जो इस तरीके से लगाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।